साले ठरकी, मेरा नाम बदनाम करने के लिए पैदा हुआ था तू। औरतों को क्यों छेद में से झांक के देखता है? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि वो लड़की है कि नहीं। ये कुत्ते का पिल्ला नहाती हुई औरतों को देखता है और मेरे को झूठ बोलता है, उल्टे सीधे बहाने बनाता है। हाँ भाऊ, हम तो आपको बहुत पहले बताना चाहते थे, ये हम औरतों के लिए सरदर्द बन गया है। हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ है। आइंदा कभी किसी लड़की को बुरी नजर से झांका ना तो तेरी दोनों गोटियां फोड़ दूंगा, और अपनी माँ को भी देखा ना तो भी फोड़ दूंगा। चल जा, निकल यहाँ से। मौका मिलने दे। ओए, उल्टा देख। चलो आप लोग चलो काम पे। ओए मोटे, बात सुन, तेरे पास पैसा है? पैसे ये 20 पैसा है, चाहिए? अरे नहीं यार, वर्करों को देना खाने के लिए। वो राम भरोसे होटल में हमने खाता खोला था, पैसे नहीं दिए तो उसने बंद कर दिया। बाद में शिव शक्ति भोजनालय में खाता खोला तो उसने भी आज से देना बंद कर दिया हम लोग को। कितना देना है वहाँ? उसका तकरीबन 3000। 3000 देना है? मेरे पास मेरी एक कमर की चेन है, सोने की है, अगले हफ्ते तक काम चल जाएगा लगता है। सोने की चेन, उसमें तो आराम से 1.25 महीना निकल जाएगा, दो ना। एक मिनट आंटी, मैं रखा। ये आपके कमर की चेन है? हाँ, मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप ने मुझे पहनाई थी। अभी अभी ये माँ की अलमारी से चुरा के लाया। इसमें तो मुश्किल से सिर्फ 3 दिन निकल पाएगा, वो भी आधा पेट। हाँ, 3 दिन काम चला। ठीक है सर जी, पता है भाव, आज से नया कमिश्नर ने अपना ओहदा संभाल लिया है। तुझे नाना जी टांग, इससे पहले कि वो ऑफिस के कमीने मेरे बारे में बुराइयां करे, मैं जाके कमिश्नर से मिल लेता हूँ। ठीक है, और अपना चेक जाके ले लेता हूँ। गन्ने वाला रस्ते भूल गए। ए सुन सुन, इतना बेटे बात सुन, चोली के पीछे क्या? चल बे। सुना है नया कमिश्नर आया? हाँ, मेरे को मिलाना उससे, पूछना पड़ेगा। अरे यार, तू सिर्फ अंदर जाओ, मेरी अच्छी अच्छी तारीफ कर, बस कुछ भी पूछे ना तो सिर्फ अच्छा ही बोलना बस। ओके, जा अंदर। कुछ खर्चा बंदेगा? अरे मैं दूंगा ना तेरे को, जा जा। जा, तेरा काम हो गया। अरे उधारा तेरे को दूंगा, दूंगा तेरे को। कॉन्ट्रैक्टर सचिन टिचकुले, कम इन। मिस्टर टिचकुले, शायद आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान को आजादी मिले 62 साल हो चुके, आज भी इस देश में ज्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। पता है क्यों? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से, जो इस देश के विकास को नीचे लेकर जा रहे हैं। इस देश की सड़कें और सार्वजनिक इमारतें आपकी जेबें भरने के लिए नहीं हैं। मिस्टर टिचकुले, आपको बैठना है, बैठ सकते हैं। नहीं मैडम, मैं बैठ जाऊंगा, आप बोलते रहिए। MG रोड, स्टेशन रोड, भगत सिंह रोड, वहां पे 3 पुलिया बनाई है तुमने। किसी इंजीनियर को घूस देके, अपना काम करवा के अपना बिल और चेक हासिल कर लिए, लेकिन वो चेक बैंक तक पहुंचे उससे पहले एक भारी भरकम बैलगाड़ी उस पुलिया के ऊपर से गुजरी। पुलिया और बैलगाड़ी दोनों नाले में, इसीलिए हमने तुम्हारा पेमेंट रोका और तुम कोर्ट तक जा पहुंचे। तुम शायद कोर्ट में जीत भी जाओ, पर अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? गनपुले मैडम, आपको कितना वक्त हुआ सौदे पे आए हुए? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? लेना है? अगर तजुर्बा होता तो इस तरह एक तरफा बात नहीं करती तुम। इस देश के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर का कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं होता। सुनिए मैडम, ये पेन रखिए, आपको बताता हूं। पुलिया बनाने का खर्चा समझ लो 1,00,000 रुपए होता है। इसमें से 25,000 रुपए म्युनिसिपैलिटी चलाने वाली पार्टी को देना पड़ता है, 10 से लेकर 15,000 मुझे देना पड़ता है टेंडर अमाउंट पता करने के लिए। अगर टेंडर अमाउंट मिल गया तो दूसरे 10,000 देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हाथ में लाने के लिए। बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए 15,000 इंजीनियर को देना पड़ता है। बिल तैयार करने के लिए क्लर्क को 5,000 देने पड़ते हैं और चेक पाने के लिए मुझे उतना ही पैसा अकाउंटेंट को देना पड़ता है। कुल मिला के हो जाते 75,000 और उसके बाद बचते 25,000। आप चाहती है कि उस 25,000 के अंदर मैं एक मजबूत पुलिया बनाऊं और देश का विकास करूं, और मुझे क्या मिलेगा? तंबोरा, माँ का मंगलसूत्र, पिताजी की घड़ी गिरवी रख के पुलिया बनाकर देश का विकास नहीं करना है मुझे। इससे पहले कि तुम मुझे सिखाओ कि देश के नागरिक का फर्ज क्या होता है, मैं तुमको बताता हूं।
बाहर जाके देखो, फाइलों का पहाड़ पड़ा हुआ है, धूल जमी हुई है उसपे। अगर उसमें से आधी भी तुम इस जन्म में क्लियर कर जाओगी ना, तो पता चलेगा कि कितनों की मौत हो चुकी है और कितने तो आत्महत्या ही कर चुके हैं। अपने फायदे के लिए तुम लोग ही रिश्वत को बढ़ावा देते हो। तो फिर ऐसे लोगों को ही काम पे रखो ना जो साफ सुथरे हो, ये रिश्वतखोरों को निकालो। मैडम एक बात बताता हूँ, खाली चोर डाकू इस देश में शांति से रह सकते हैं बस। मैं तुमसे यहाँ बहस करने के लिए नहीं बैठी, तुम जो कह रहे हो उससे कोई वास्ता नहीं है मेरा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि म्यूनिसिपैलिटी को पैसों की बड़ी तंगी है, इसलिए तुम्हें अपना केस वापस लेना चाहिए। तो ठीक है, मेरा चेक निकालो, निकालो वापस दो। उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, ये भूखा लंगा गुजारा कैसे करेगा? अगर ये केस वापस नहीं लिया तो ये धमकी किसी और को देना, समझे ना मैडम। सेठ जी, सेठ जी। क्या है? सेठ जी आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? कल रात को मेरी माँ बेहोश हो गई, मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ, एक मिनट। हेलो, हेलो, हाँ रेणुका, खाने में क्या भेजोगी? अरे नहीं, चपाती मत भेजना, चावल भेजना, चावल। हाँ ठीक है, हाँ उसे। एक मिनट, लाइन पे खड़ी रहे, लाइन पे रहे। हेलो, हाँ रामचंद्र जी, हाँ बोले बोले। हाँ आपकी लिस्ट मिल गई है, मैं जरा ये चेक करके देखता हूँ दुकान में सामान है कि नहीं। हैं? लाइन पे रहिए, लाइन पे, एक मिनट लाइन पे। गोपी, हाँ जरा चेक कर सामान है कि नहीं दुकान में, हैं? जल्दी कर, बता मुझे, बता। हाँ भाई, तेरी माँ बेहोश हो गई। हाँ, बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला 5 बोतल खून चाहिए, तो ब्लड बैंक से 5 बोतल खून खरीद के जब वापस आया तो उन्होंने बोला 5,000 रुपए काउंटर पे भरने पड़ेंगे। तो 5,000 रुपए जब काउंटर पे, छोटे किले चाहिए अपने पास, बड़े किले? अच्छा, छोटे किले नहीं है। हेलो, देखो छोटे किले नहीं है, बड़े किले चलेंगे। चावल में केले कैसे मिलाओगी? अरे अरे रेणु, रेणु तुम हो, तू रामचंद्र के साथ वहां क्या कर रही हो? हैं? अरे एक काम करो, चावल के साथ अंडा करी भेज दो, ठीक है? और लाइन पर रहो, लाइन पर रहो। हेलो, देखो छोटे केले नहीं है, अंडा करी है, भेज दूं? अरे नहीं नहीं रामचंद्र जी, क्षमा जाता, मेरा मतलब छोटे केले नहीं है, बड़े केले हैं, चलेगा? हैं? हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ, लाइन पर हो भाई। उफ, सेठ जी। हाँ, तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ अस्पताल में बेहोश हो गई। यार तू, मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा, तेरी माँ? हाँ, बेहोश हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, भरने के लिए 5,000 रुपये नहीं थे, तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, वो बोला मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपये। मैंने बोला 4 तोला? पेंट का 5 किलो का डिब्बा नहीं है, 10 किलो का है, चलेगा? अच्छा पूछता हूँ। सर जी, मेरी बहन की शादी है, मेरे को पैसे चाहिए प्लीज। रुको एक मिनट। हेलो रामचंद, 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी है, चलेगा? शादी की बात कौन बोला? अब साले तू अभी बोला शादी करनी है तेरी बहन की, तू बोला? सर जी, मैंने बोला मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है। तूने बोला? हाँ सॉरी। पेंट। हाँ पेंट का 10 किलो का डिब्बा है, चलेगा ना? हाँ ठीक है, तो लाइन पे रहो, बताता हूँ अभी। हाँ चलेगा, भेज दे। हाँ भाई, हाँ तो तू, तेरी माँ की शादी? मेरी माँ बेहोश हो गई। शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश बेहोश हो गई, मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओहो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसकी माँ? ताला नहीं है अपने पास। है? ताला नहीं है अपने पास, खाली कड़ी है। हाँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको। हेलो हेलो, हाँ कड़ी है, कड़ी है, अंडे में कड़ी कैसे डालूं? अरे रेणुको तू है क्या? लाइन पर एक मिनट। ओफो, हेलो रामचंद, ताला नहीं, अंडा है, भेज दूं क्या? कड़ी चलेगी? हैं? हाँ तो ठीक है, कड़ी भेजता हूँ, लाइन पर हो, उसको भेज दो ना भाई। हाँ भाई, तेरी समस्या क्या है? सेठ जी, मेरी बहन की शादी है। सेठ जी, मुझे पैसे चाहिए। मैं कुछ भी गिरवी रखने को तैयार हूँ सेठ जी। गिरवी? तू? हेलो हेलो रेणुका, जरा लाइन पर रहना, बताता हूँ। रामचंद, लाइन पर रहना, बताता हूँ। हाँ तो तू अपनी माँ को अस्पताल में गिरवी रखे आया, बेहोश हो गई, अस्पताल ले गया, खून खरीदा, डॉक्टर को पैसा दिया। अरे तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशन हुआ, माँ मर गई। हेलो रेणुका, तूने जो भी तैयार किया ना, भेज देना। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा हाँ तो भाई, तेरी बहन मर गई। मेरी बहन मरी नहीं है, उसकी शादी है, आपको पैसे देने हैं, दो
नहीं तो मैं जा रहा हूँ, बकवास सुनने नहीं है आपकी यहाँ। अरे जा, कितना अकड़ रहा है, कितनी बार उधार ले चुका है तू, है अब अकड़ के जा रहा है अभिमानी, इसका घमंड देखो। अरे गोपी, इसको पकड़ो साले को, कमीने को छोड़ना मत। कितनी बार उधार लेकर गया है, अकड़ रहा है, रावण की औलाद है कमीना साला। हाँ तो तेरी माँ बेहोश होगी, बेहोश हुई तेरी माँ, बाहर में जाए तेरा पैसा, बाहर में जाए नौकरी, बाहर